हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखते हैं बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच माने होता है शब्द भेद। तो देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है बेटा आपका नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा है बेटा आपका प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। तीसरा नंबर है बेटा एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। चौथा नंबर है बेटा वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं। पांचवा नंबर है बेटा एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा नंबर है बेटा आपका प्रीपोजिशन, जिसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अगला नंबर है बेटा कंजक्शन, जिसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आठवां नंबर है आपका लास्ट इंटरजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विस्मय बोधक अव्यय, या विस्मयाद बोधक अव्यय, या विस्मय सूचक अव्यय भी कहते हैं। शो देखते हैं आपका सबसे पहले वाला, सबसे फर्स्ट है बेटा नाउन। नाउन को देखते हैं, नाउन माने होता है बेटा संज्ञा, संज्ञा होती है। अब नाउन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सो देखेंगे। इसकी परिभाषा है बेटा, एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। हिंदी में देखेंगे, दुनिया में वो सारी चीजें जिसका नाम है वो नाउन है। मेरा कहने का मतलब है बेटा, ये संसार है, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं जिनका वो नाम है, किसी के नाम से पुकारी जा रही हो, उसे हम नाउन ही कहेंगे, वो सब नाउन है। तो फर्स्ट वाक्य देखते हैं बेटा, राधा सेल्स द बुक, राधा सेल्स द बुक। तो बेटा देखें, राधा सेल्स माने बेचती है, द बुक माने किताब है। राधा किताब बेचती है। तो ये हाई स्कूल का टॉपिक चल रहा है बेटा, इसमें हाई स्कूल में ऐसे ही आएगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच। तो पहला विकल्प बेटा सेल्स, दूसरा है बेटा द, तीसरा है बेटा सी राधा, डी नंबर है इन। तो हम इसमें देखेंगे नाउन क्या है, विकल्प में देखेंगे, वाक्य में नहीं देखेंगे। विकल्प में दिया है बेटा सेल्स है नहीं, दा है नहीं, राधा। तो कौन सा विकल्प सही बेटा, राधा वाला। अगला नंबर है वाक्य सी का, सी इज लिविंग इन कानपुर। सी मान वह इज लिविंग मान रह रही है इन कानपुर, कानपुर में, वह कानपुर में रह रही है। तो फर्स्ट विकल्प है इन, सेकंड है बेटा इज, सी है बेटा कानपुर, फिर है बेटा डी सी। तो हमारा इसमें विकल्प रहा बेटा सी, कानपुर। कानपुर क्या बेटा, नाउन। तो आगे देखते हैं हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन को कहते हैं बेटा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो जाए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए जो शब्द, उसी को हम बेटा सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसकी हिंदी देखते हैं, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन, नाउन को मतलब संज्ञा के बदले में, संज्ञा के पक्ष में प्रयोग किया जाता है, उसी को प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। यानी का मतलब है, एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम। इंग्लिश की परिभाषा बेटा, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन, एक प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है, एक सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड एक ऐसा शब्द होता है जिसे यूज्ड मान प्रयोग किया जाता है इन प्लेस मान स्थान पर ऑफ ए नाउन, एक नाउन के। एक सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे बेटा, मोहन बेंट टू आगरा, मोहन बेंट मान गया टू आगरा, आगरा मोहन कहाँ गया बेटा, आगरा गया। ही शो द ताज, ही मान उसने, सो मान देखा, ताज ताज उसने ताज देखा। तो बेटा किसने ताज देखा, ही मान उसने, उसने का मतलब बेटा मोहन ने। तो ये ही शब्द किसके लिए आया बेटा, मोहन के लिए। तो विकल्प देख लेते हैं, मोहन आगरा द ताज ही। तो इसमें हमारा सर्वनाम क्या है, तो मैंने बताया था जो शब्द नाउन के लिए प्रयोग हो, तो ही किसके लिए प्रयोग हुआ बेटा, मोहन के लिए। तो हमारा कौन सा सही है बेटा, डी ही वाला। आगे संगीता बर्गढाड़, सी गॉट गुड मार्क, गुड मार्क्स। संगीता, संगीता ने बर्गढाड़ पर कठिन प्रथम किया, संगीता ने काफी कठिन प्रथम किया, सी गॉट गुड मार्क्स, उसे अच्छे अंक प्राप्त किए। तो बेटा सी किसको, संगीता को, तो सी किसके लिए आई बेटा, संगीता के लिए। तो इसमें प्रोनाउन क्या बेटा, सी।
तो बर्ग डाहड है नहीं सी, तो विकल्प कौन सा सही बेटा, बी। तो आगे देखते हैं, अगला नंबर है बेटा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, सो इसको भी देखते हैं। एडजेक्टिव माने होता है बेटा विशेषण, एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। बेटा एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताए चाहे प्रोनाउन की। तो देखो ही इज इंटेलिजेंट बॉय, ही मान वह इजमान है, इंटेलिजेंट मान बुद्धिमान, बॉय मान लड़का, वह बुद्धिमान लड़का है। तो बेटा ही और बॉय, बॉय जो शब्द है बेटा क्या है, नाउन है। तो इसमें फर्स्ट विकल्प है इज, सेकंड विकल्प है ही, सी विकल्प बेटा इंटेलिजेंट, और डी विकल्प है बेटा बॉय। तो ये बॉय की विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट। तो इसमें कौन सा सही है, सी इंटेलिजेंट। आगे देख लेते हैं वर्ब। वर्ब माने होती है बेटा क्रिया। क्रिया क्या होती है, जिसे हम क्रिया कहते हैं, साई क्रिया कहते हैं, वो क्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं, एक ऐसा शब्द जो किसी कर्ता की कार्य का होना या स्थिति को बताता है उसी को वर्ब कहते हैं। फिर सुने, एक ऐसा शब्द जो किसी कर्ता के कार्य की कार्य को दर्शाए या उसकी स्थिति को दर्शाए उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो देखो, ही टीचेज मी इंग्लिश, ही मान वह टीचेज मान पढ़ाता है, मी मान मुझे इंग्लिश, इंग्लिश वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, पढ़ाता है। देखते हैं इसका कर्ता बेटा ही, कौन पढ़ाता है वह, क्या पढ़ाता है इंग्लिश, किसे मुझे। तो बेटा मी है नहीं, टीचेज, टीचेज क्या बेटा कार, टीच के द्वारा क्रिया हो रही है, टीचेज द्वारा पढ़ाता है, इंग्लिश, इंग्लिश ही। तो इसमें विकल्प बेटा टीचेज। यू आर ए प्लेयर, पहले वाक्य में बेटा क्रिया के द्वारा कार्य हो रहा है, दूसरे में देखो स्थिति बताएगा। यू आर ए प्लेयर, यू माने आप, आर माने हो, ए प्लेयर एक खिलाड़ी, आप एक खिलाड़ी हो। तो इसमें होना बताया जा रहा है, स्थिति का होना, स्थिति क्या है आपकी। तो इज आर ए प्लेयर, तो इसमें विकल्प है आपका आर बी। अगला नंबर है, अगला नंबर है बेटा आपका एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है देख लेते हैं। एक ऐसा शब्द जो नाउन को प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी की विशेषता बताता है उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। एक ऐसा शब्द हो जो नाउन को छोड़कर के, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी की विशेषता बताए उसी को हम एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज ए वेरी गुड बॉय, ही मान वह इजमान है, ए मान एक, बेरी मान बहुत ही, गुड मान अच्छा, बॉय मान लड़का, वह बहुत ही अच्छा लड़का है। तो देखें इसमें गुड शब्द आया बेटा एडजेक्टिव, तो इस गुड की विशेषता कौन बता रहा है, बेरी, बहुत अच्छा। तो देखेंगे इसमें इज विकल्प है, बेरी है, बॉय है, गुड है, तो गुड की विशेषता कौन बता रहा था, बेरी शब्द। तो क्या बेटा इसमें बेरी विकल्प सही है। आगे सी रन सो फास्ट, सी मान वह रन मान दौड़ती है, सो फास्ट मान बहुत तेज, वह बहुत तेज दौड़ती है। तो कैसे बेटा तेज, तो तेज की विशेषता कौन बता रहा है, सो। तो सो रन फास्ट सी, तो इसमें विकल्प कौन सा सही बेटा, सो। अगला नंबर देखेंगे बेटा आपका प्री पोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनका संबंध बना दे उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, नाउन प्रोनाउन कंप्लीट हो गया, इससे पहले एक ऐसा शब्द आ जाए जो इनका संबंध रिश्ता बना दे, अर्थात संबंध स्थापित कर दे, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो देखेंगे ही इज ऑन द रूफ,
ही मानो है यजमान है ऑन द रूफ मान छत पर, वह छत पर है। तो देखिए बेटा ही और रूप छत का संबंध कौन बता रहा है बेटा, ऑन। तो पहला विकल्प है एट, दूसरा है ऑन, तीसरा है द, डी है बेटा ही। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, ऑन। आगे सीमा स्लेप्ट इन द रूम, सीमा सीमा स्लेप्ट मन सो गई इन द रूम मन कमरे में। तो सीमा का और कमरे का संबंध कौन बता रहा है बेटा, मे इन। तो इन एट अपॉन इन टू, तो विकल्प कौन सा सही है, इन। आगे देखते हैं अगला नंबर है बेटा हमारा कंजक्शन। कंजक्शन देखते हैं कंजक्शन क्या होता है। एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसी को कंजक्शन कहते हैं। ये कंजक्शन है बेटा आपका, लिख रहे हैं एंड और बट। देखें ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ही मन उसने वर्कड हार्ड मन कठिन परिश्रम किया बट लेकिन ही मन वह फेल्ड मन फेल हो गया। देखो बेटा ये बट शब्द जो है दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, तो हमारा कंजक्शन क्या हुआ, बट ही तो हुआ। तो हमारे विकल्प है पहला बेटा बट, दूसरा बेटा वर्कड, तीसरा है बेटा सी फेल्ड, आगे है डी ही। तो हमारा कंजक्शन विकल्प कौन सा सही हुआ बेटा, बट। अगला वाक्य देखें मोहन वाज पनिष्ड, मोहन को वाज पनिष्ड मान दंड दिया गया एंड ही वाज फाइंड, ही मन उसे वाज फाइंड मान जुर्माना भी किया गया, उससे दंड भी दिया गया और उसे जुर्माना भी किया गया। तो बेटा इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है बेटा, एंड। तो हमारा कंजक्शन इसमें क्या होगा, एंड ए बी इन ऑन, सी है हमारा डी वाज है। तो हमारा कंजक्शन कौन सा सही रहा बेटा, ए एंड। लास्ट देखते हैं आपका टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, देखो जो शब्द मन में अचानक उठने वाले विचारों को प्रकट करते हैं उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आपने डायरेक्ट नारक में पढ़ा होगा, हुर्रा है, एलास है, ब्रेवो है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, ये शब्द हृदय में अचानक ही तो उठते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। देखो पहला वाक्य एलास सी लॉस्ट हर ब्यूटी, एलास कितने दुखी बात है कि सीमन उसने लॉस्ट माने खो दी, हर मन अपनी ब्यूटी माने सुंदरता, उसने अपनी सुंदरता को खो दिया, दुख किया अचानक ही तो आया हुआ, तो एलास लॉस्ट हर ब्यूटी। देखो एलास सब दिया गया तो इसमें इंटरजेक्शन क्या बेटा, एलाश। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुँच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।